हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। सो आज दिवाली है एंड हैप्पी बिलेटेड दिवाली टू ऑल ऑफ यू। एंड आपने काफी मजे किए होंगे दिवाली में, आई अज्यूम दैट। एंड आज मैं भी जो करने वाला हूँ दिवाली के दिन, फ्रॉम क्लीनिंग टू सेलिब्रेटिंग, वो सब मैं इस व्लॉग में दिखाऊंगा। तो बेसिकली आज का प्लान ऑफ एक्शन ये है कि मैं सो के उठ गया हूँ एंड मैंने ब्रश कर लिया, अभी फटाफट जाके नाश्ता करूंगा, व्यू बहुत भूख लग रही है। उसके बाद मम्मी ने दो काम दिया है। इलेक्ट्रिशियन ने आके ना कल पूरे घर में लाइट लगा दिया था, लेकिन मंदिर में लाइट नहीं लगा था और ऊपर दो लाइटें खराब हो गई हैं, तो वो लाइट चेंज करनी है। तो मम्मी लेके आई थी कल मार्केट से, तो वो लाइट्स लगाने हैं। उसके बाद रंगोली बनाना है मुझे एंड रंगोली बनाने के बाद फिर मैं नहाऊंगा एंड फिर रेडी होऊंगा। उसके बाद देखते हैं और क्या क्या काम होगा। मेरे ख्याल से मार्केट वगैरह जाना होगा, मिठाई वगैरह कुछ लोगों को देने जाना है। चेंज इन प्लान्स, पहले जा रहे हैं, अब कुछ मार्केट का छोटा सा काम है वो खत्म करना है एंड मार्केट का काम खत्म करने के बाद फिर आएंगे घर, फिर बनाएंगे रंगोली और फिर लगाएंगे लाइट्स। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है मार्केट में। तो दो घंटे ढाई घंटे मैं लेट चल रहा हूँ अभी। पहले मैं 9 बजे नाश्ता करने वाला था पर मार्केट में बहुत ज्यादा टाइम लग गया, तो अब 11:30 बज रहे हैं और 11:30 बजे हम नाश्ता करने जा रहे हैं। तो काफी लेट चल रहा हूँ मैं, तो फटाफट नाश्ता करता हूँ, उसके बाद फिर रंगोली बनाएंगे और लाइट्स जो लगे हुए वो लगाएंगे। और फिर अभी एक और काम मिल गया, मिठाई लेके आनी है मेरे को मार्केट से, कुछ मिठाइयाँ एक्स्ट्रा लेके आनी है तो वो भी लेके आऊंगा। सो ये है नाश्ता जो अभी हम करने वाले हैं, आलू पराठे एंड उसके बाद मूंगफली की चटनी एंड केचप। तो फटाफट नाश्ता करते हैं, बहुत टेस्टी का नाश्ता लग रहा है, उसका चलते हैं काम पे। ये रहा मंदिर, ये रहे लाइट्स लगाने के सामान और अब लगेंगी लाइट्स। इलेक्ट्रिशियन ओपी। वन जॉब इज डन, ग्रेट सक्सेस। तो अब अपन ने सारी मिठाइयाँ खरीद ली हैं एंड मिठाई वाला काम भी हो गया, अब घर जाएंगे, जाके लाइट्स वगैरह छत पे थोड़े बहुत देखने हैं कि जो नहीं जल रहे हैं उनको चेंज करना है, और उसके बाद फिर जाके अपन करेंगे रंगोली वाला काम और फिर नहा धोके होंगे तैयार। तो मीठे पीछे मिठाइयाँ ला दी हैं, बहुत सारी मिठाइयाँ, ये सारी अपने खाने के लिए नहीं है, लोगों के घर जाएंगी शाम में। टू होम, और अब जा रहे हैं लाइट्स लगाने के लिए ऊपर छत पे जो खराब है। सो दिस इज द टेरेस एंड यहाँ से पूरा उधर जो इधर रेलिंग वगैरह है ना, वहाँ पे पूरा लाइट्स लगे हुए हैं, तो वो सारे लाइट्स चेक करने हैं कि कौन से जल रहे हैं कौन से नहीं जल रहे हैं। चलो चेक करते हैं। तो लाइट सारे लग गए हैं, तो जला के देखते हैं कि वो जल रहे हैं नहीं जल रहे। पीछे पटाखे फोड़ रहा है मेरा भाई, लेट्स चेक। तो बाहर दिख रहे हैं जलते हुए, मेरे को दिख रहा है, शायद आपको दिख रहे हो या नहीं दिख रहे हो, रात में दिखेंगे, सारे जल रहे हैं, ग्रेट सक्सेस। तो अपडेट ये है कि रंगोली बन के हो चुकी है तैयार एंड अब सारा काम लगभग खत्म हो चुका है, बस अब नहाना है, तैयार होना है। एंड उससे पहले गाड़ी काफी गंदी हो गई, तो मैं तो जाके एक बार गाड़ी थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ। तो बस इतना काम बचा है, तब तो रंगोली दिखाता हूँ आपको। रंगोली ठीक ठाक बनी है, उतनी अच्छी नहीं बनी है। मैं ना बचपन में ड्राइंग में काफी अच्छा था, तो उसके लिए ना क्या हो गया है, मेरे को हमेशा जब दिवाली होती है ना तो रंगोली का काम मेरे पे आके फेंक देते हैं ये लोग, घर वाले सारे, क्योंकि गलती से मैं बचपन में ड्राइंग में अच्छा हो गया था, बस यही रीजन, और कुछ रीजन नहीं। मम्मी को काम करना नहीं होता है इसलिए वो मेरे पे डाल देते रंगोली वाला काम। बस दिखाता हूँ मेरी रंगोली। तो ये है रंगोली, ठीक ठाक है, ओकेश है, क्योंकि मेरे को आज टाइम काफी कम मिला। वैसे मैं रेगुलरली रात को सोने के बाद बनाता था, सबके सोने के बाद, दिवाली से एक रात पहले, लेकिन आज मेरे को अभी जल्दी बनाना पड़ा, तो 2 घंटे में जैसी भी रंगोली बनानी थी मैंने बना दिया एंड ठीक ठाक लग रही है, मतलब उतनी भी बेकार नहीं है, उतनी अच्छी भी नहीं है। एंड उसके साथ साथ डेकोरेशन वगैरह भी हो चुका है मंदिर का, सब कुछ अंदर से देख लो आप। एंड बस नहा के आ चुका हूँ एंड आई एम डाइसी अबाउट द सिचुएशन, क्या पहनूँ, मतलब एथनिक पहनूँ या फिर नॉर्मल कैजुअल वेयर पहनूँ, समझ नहीं आ रहा अब। या तो अपन ये पहन सकते हैं, ये मैंने एक नई टी शर्ट मंगाई थी, ये अच्छा लग रहा है मेरे को, ये और ये, या फिर अपन पहन सकते हैं कुर्ता पजामा, और मेरे को आज एथनिक पहनने का मन नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। तो देखता हूँ ये पहनूंगा या ये पहनूंगा, लेट मी फिगर आउट। बहुत ज़्यादा गहरे सोच विचार के बाद अपन ने पहन लिया है ये टी शर्ट और ट्राउजर्स। तो ये है आउटफिट जो मैंने चूज़ किया है, पर एक बार सोच रहा हूँ जाके मम्मी नानी से पूछ लेता हूँ क्या पहनूँ, ये ठीक है या फिर कुर्ता पजामा पहन लूँ, क्योंकि मैंने सोचा कुर्ता पजामा, फिर मैं अभी 6 दिन के बाद छठ आएगा ना, तो छठ में भी तो पहनना पड़ेगा, तो उस दिन पहन लूँगा कुर्ता पजामा, और मेरे को ज़्यादा एथनिक पहनना पसंद नहीं है। सो लेट्स सी मम्मी नानी क्या बोलती है। फाइनल फिर दिस इज द OOTD, यार कंघी नहीं गया, कंघी कर लेते हैं बाद में। चुनो, तूने आज कुर्ता पजामा क्यों नहीं पहना? क्योंकि मेरे पास अभी कुर्ता पजामा पहनने का मन तो है, पर मैं छठ में पहनूंगा, एक ही है मेरे पास।
तेरा कुर्ता पजामा, तेरा कुर्ता पजामा ड्राई क्लीनर्स में चला गया, इसलिए तूने कुर्ता पजामा नहीं पहना और तुझे पहनने का मन था। कोई बात नहीं, हट। गजब बेइज्जती है। So this is the house and ये बगल वाले अंकल का हाउस एंड ये डेकोरेशन है घर का। मैं थोड़ा क्लोजअप से दिखा देता हूँ। ये पूरा है घर का डेकोरेशन एंड सब मैंने ही करवाया। डेकोरेशन तो बढ़िया लग रहा है मेरे हिसाब से। तो ये लोग मुझे बताते हैं कि तेरे बाल बड़े हो गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर टेलिंग मी डैट। एंड उसके बाद लोग पूछते हैं बाल बड़े कैसे हो गए तेरे। यार बाल बड़े मेरे इसलिए हो गए क्योंकि मैंने बाल बड़े किए हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? नाउ आई विल कवर द पूजा, द ग्रेट दिवाली पूजा। तो हर जगह अब पूजा वूजा हो चुकी है। मैंने सारे घर में दिए भी जला दिए हैं। तो अब तुम्हें, चलो मैं दियों की अरेंजमेंट दिखाता हूँ घर में मैंने कैसे लगाया है। एंड उसके साथ साथ एक छोटा सा होम टूर भी दे दूंगा कि घर कैसा है। तो चलो देखते हैं। So let's start from the main entrance. This is the house and ये है main gate. यहाँ पे मैंने candles लगाए हैं नीचे, sorry दिए। और ये दिए बुझ गए यार, इसको वापस जलाना पड़ेगा। एंड फिर ये main entrance हम लोग से, this is parking space. एंड उसके बाद straight view को यहाँ पे कुछ दिए, ये एक gate है, ये दूसरा gate है, यहाँ पे दिए। एंड उसके साथ यहाँ पे दिए लगा रखे हैं। और ये सेकंड पार्किंग स्पेस और ये सेकंड गेट, सेम गेट उसके जैसे ही है। एंड इससे ही बाहर निकल के रोड पर आते हैं। वो पहला गेट था वहाँ पे और ये दूसरा गेट है, तब भी दिए इधर लगा रखे हैं। एंड वहाँ से ऊपर फर्स्ट फ्लोर है एंड फिर सेकंड फ्लोर पे साथ है। फर्स्ट फ्लोर पे रेंट लगे हुए हैं, वहाँ पे रेंटर स्पेस है, यहाँ पे मैंने दिए भी जला दिए। फिर आगे चलता है। तो फिर ये है मेन घर के अंदर घुसने का एंट्रेंस, तो यहाँ पे दिए लगा रखे हैं। फिर इस साइड वो एक स्टडी रूम है एंड यहाँ पे भी दिए लगा रखे हैं उधर। एंड यहाँ पे मैंने रंगोली बनाई थी वो और ये हवन हुआ था उसका। और सामने वो मंदिर है, पूजा रूम है और वहाँ पे भी अंदर दिए भी लगे हुए हैं। तो ये है मेन हॉल का एंट्रेंस एंड दिस हॉल। एंड यहाँ पे भी मैंने काफ़ी सारे दिए लगाए हैं। एंड फिर वो वॉशिंग मशीन एरिया है और फिर किचन है यहाँ पे। एंड देन वहाँ पे तीन रूम है, वो दिखा देता हूँ। एंड ये वाला रूम जो है वो पापा मम्मी का रूम है, ये दूसरा रूम है और ये मेरा रूम है। ये तो आपने देखा ही होगा मेरे वीडियोस में, ये वाला वर्क स्पेस। सो दिस इज द प्लेस। एंड ये सेम जैसे यहाँ पे तीन रूम है, वैसे तीन रूम उस साइड पर हैं, उस जगह पे तीन रूम है। एंड देन फिर यहाँ से एग्जिट हो जाते हैं हम और फिर वहाँ से लेफ्ट लेके हम छत पर चले जाएंगे। उस जगह की तरह सेम है, मतलब वो जो जगह है ना वो सिमेट्री है। वहाँ से इधर वाला स्पेस और इधर से उधर वाला स्पेस दोनों सेम है बिल्कुल। This is the scene before crackers have been burst and I'll show you the scene later on. काफी अच्छा शांत और क्लीन माहौल है अभी। दिवाली इज ओवर। सो आई होप आप लोगों ने भी काफी एंजॉय किया होगा। सो मैंने भी काफी ज्यादा एंजॉय किया, मजा आया आज की दिवाली में। एंड अब वीडियो को कर दो लाइक एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। और अगर कुछ भी अच्छा लगे और कुछ भी डाउट्स है आपके तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लो मुझसे, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। बस ये सब कर दो, मिलते हैं एक और मस्त वीडियो में। आज वीडियो में इतना ही था। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, टेक केयर एंड जय हिंद। चलो बाय, गुड नाइट।